नमस्कार साथियों, RKSMB के आकलन के सभी विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड शाला दर्पण पर जारी किए जा चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने की जानकारी देने वाला हूं। जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। और यदि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से RKSMB के रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थियों के RKSMB के रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। साथियों, लॉगिन प्रक्रिया में आपके साथ यह शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लॉगिन प्रक्रिया से भलीभांति परिचित है। तो जब आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगी RKSMB के ऐप नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्य सब टैब आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आपको अब एक टैब यहाँ पर देखने को मिलेगी RKSMB के रिपोर्ट कार्ड SA1/2023 नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जिस भी क्लास के आप रिपोर्ट कार्ड देखना चाहते हैं वो क्लास का चयन आप यहाँ कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ असाइनमेंट टाइप में RKSMB के एक ही रखना है। देन आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा शो का, तो आप शो पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो जो कक्षा आपने यहाँ सेलेक्ट की है उस कक्षा के विद्यार्थियों के नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। विद्यार्थियों के फादर नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। विद्यार्थी के SR नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। और यदि आप एक एक विद्यार्थी का रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड प्रिंट करना चाहते हैं या डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखना चाहते हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी के नेम के सम्मुख आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से एक एक विद्यार्थी का रिपोर्ट कार्ड जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। परंतु आप चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड एक साथ डाउनलोड हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, डाउनलोड ऑल के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो आपको स्टेप पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो जिस भी क्लास के विद्यार्थियों के आप रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वो क्लास आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ऑल का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और जो विद्यार्थियों के RKSMB के रिपोर्ट कार्ड है जो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगे। अब आपको उनको ओपन करके देखना है, तो आपको इस तरह का रिपोर्ट कार्ड दिखाई देगा। अब यदि आप इस रिपोर्ट कार्ड की सारी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है RKSMB के आकलन जो हुआ था विद्यार्थियों का हिंदी अंग्रेजी और गणित का हुआ था, तो उन्हीं दक्षताओं के बारे में आपको यहाँ स्टार के रूप में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ मार्किंग विद्यार्थी की नहीं की गई है, केवल स्टार के रूप में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दर्शाई है। तो आप सभी दक्षताओं की स्टार इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। अब यदि विद्यार्थी ने किसी दक्षता में 3 स्टार प्राप्त किए हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि विद्यार्थी प्रशंसा योग्य है। और यदि किसी विद्यार्थी के 2 स्टार प्राप्त हो रहे हैं किसी दक्षता में तो सही दिशा में विद्यार्थी जा रहा है। और यदि किसी विद्यार्थी के किसी दक्षता में 1 ही स्टार आ रहा है तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है, साथ में विद्यार्थी को भी और मेहनत करने की आवश्यकता है। अब इस पेज को जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो यहाँ आप क्या करेंगे, शिक्षक के हस्ताक्षर करवा लेंगे और यहाँ विद्यार्थी के माता पिता के हस्ताक्षर आपको करवाने हैं और यहाँ परिणाम की दिनांक आपको एंटर कर देनी है या लिख लेनी है। आशा करता हूँ साथियों कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को हमारे प्रत्येक साथी तक पहुँचाने का कष्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आपका प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, अंत में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नवीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।